नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आम लोगों के बाद बॉलीवुड भी पूरी तरह कोरोना वायरस की चपेट में आता दिख रहा है। कई सेलिब्रिटीज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब सिंगर बप्पी लहरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्पॉट बॉय की एक रिपोर्ट के मुताबिक बप्पी के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा, बप्पी दा ने बहुत सावधानी बरती लेकिन फिर भी उनमें कोविड-19 के हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं। अपने उम्र के चलते एहतियात के तौर पर ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो डॉक्टर की निगरानी में हैं। वो जल्द स्वस्थ होकर घर लौट आएंगे, प्रवक्ता ने आगे कहा। उन्हें हमेशा अपनी दुआओं में रखने के लिए धन्यवाद। उन्हें भारत और विदेशों में अपने फैंस, दोस्तों और हर किसी की शुभकामनाओं और दुआएं चाहते हैं। बप्पी दा की तरफ से हम ये मैसेज उनके शुभचिंतकों और फैंस को देना चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें। गौरतलब है कि 17 मार्च को बप्पी दा ने इस बात की जानकारी दी थी कि उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली या नहीं। गौरतलब है कि बप्पी लहरी से पहले कार्तिक आर्यन, परेश रावल, मिलिंद सोमन, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, आर माधवन, रणबीर कपूर, कीर्ति सेनन, वरुण धवन, नीतू कपूर, मनोज वाजपेयी, संजय लीला भंसाली, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे कई सितारे भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।